ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ એમ કોમ સેમેસ્ટર થ્રી ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઓડિટિંગ ટુ ગુજરાતીમાં નાણાકીય હિસાબો અને ઓડિટિંગ ટુ આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર એમ કોમ સેમિસ્ટર થ્રીનું આપણે ઓલરેડી અકાઉન્ટન્સી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી છે એનો સિલેબસ ઓવરવ્યૂ કરી ચૂક્યા છે સીએફઆરનો કરી ચૂક્યા છે ઇવન મેનેજમેન્ટ અકાઉન્ટિંગનું જે એક ચેપ્ટર છે ધ નેમ ઓફ ધ ચેપ્ટર ઇઝ ટાઈપ્સ ઓફ બજેટ જે બજેટના પ્રકારો છે दैट चैप्टर ऑल्सो वी हैव कम्पलीटेड वी हैव अपलोडिड टू वीडियोज आई हैव अपलोडेड टू वीडियोज ऑन दैट चैप्टर सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट चैप्टर एज वेल आज हम क्या करेंगे आज हम जिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है उसका सिलेबस ओवरव्यू करेंगे क्या है उसके सिलेबस में एंड देन फ्राम द नेक्स्ट वीडियो आई विल ऑल्सो अपलोड दिसप्टर फ्राम दिस सब्जेक्ट एज वेल આમાંથી પણ આપણે એક ચેપ્ટર શરૂ કરીશું અને એને આગળ વધારીશું ઓકે સ્ટુડન્ટ સો લેટ સ્ટાર્ટ દિસ ફિનાન્શિયલ અકાઉન્ટિંગ એન્ડ ઓડિટિંગ નાના કે હિસાબી અને ઓડિટિંગ ટુ સિલેબસની વાત કરીએ તો મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સીની કમ્પેરિઝન કરો તમે આની સાથે તો તમને બધાને એમ લાગશે કે આ જે બુક છે આ જે સબ્જેક્ટ છે એ કમ્પેરેટિવલી ડિફિકલ્ટ દેખાય છે અને વાત સાચી છે ડિફિકલ્ટ નથી પણ થોડોક ટ્રિકી છે मैनेजमेंट अकाउंटेंसी वन जो है आपका सब्जेक्ट उसके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स सा आप मेरा ओवरव्यू ऑफ सिविलेबस उसका प्लीज़ देख लीजिए तो आपको एकदम से अंदाजा आ जाएगा कि आपको क्या करना है कितना करना है और क्या करना है तो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करते हैं नाड़े के हिसाबी एंड ऑडिटिंग टू तो उसके चैप्टर्स मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के कम्पेरिजन में थोड़े से लेंदी है थोड़े से ट्रिकी है एंड आई एम एंड आई अग्री विद दैट तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा तो शुरुआत करते हैं हम स्ट्रैटेजी बना से क्योंकि कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ में होनी चाहिए स्ट्रेटेजी कि किस तरह से कंप्लीट करेंगे यर यू कैन सी दैट आई हैव प्रिपेयर दिस फिनशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग टू का जो पूरा सिलेबस मैंने इस तरह से रेडी किया है देख के डरी नहीं हाँ मुझे पता है कुछ ज़्यादा ही लिखा हुआ दिख रहा है लिखने के बाद मुझे भी सेम ही फीलिंग आई कि इतना सारा मैंने क्या लिख दिया है लेकिन मैं आपको बताती हूँ सब कुछ काम का ही लिखा है ये चीज़ आपका सब्जेक्ट आसान कर देगी आपके लिए कैसे सबसे पहले वी हैव टू सेक्शन सेक्शन वन एंड सेक्शन टू आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इन इंग्लिश मीडियम सेक्शन वन एंड दिस सेक्शन टू सेक्शन वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और सेक्शन टू स्पेशल ऑडिटिंग है ये देखिए मैं अब आपको इसी में से समझाती हूँ इंग्लिश और गुजराती दोनों में से सेक्शन वन जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और जो सेक्शन टू है वो है स्पेशल ऑडिटिंग और हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आई होप यू गॉट द पॉइंट राइट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है नाणा के हिसाबों एंड स्पेशल ऑडिटिंग है खास ऑडिटिंग नाणा के हिसाबों फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट थ्योरी प्लस सम्स एंड दिस स्पेशल ऑडिटिंग इज ओनली अबाउट थ्योरी यू कैन सी दैट दिस इज सेक्शन टू इज़ होल थियोरी ये पूरा का पूरा द होल सेक्शन टू इज़ अबाउट थियोरी इसमें कोई सम नहीं है और जो हमारा सेक्शन वन है फिर उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ समझ ही समझ नहीं इसमें से भी थ्योरी आराम से पूछी जाती है ओके okay? तो अब मैं आपको पूरे सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू करवाती हूँ सबसे पहले चार यूनिट है हमारे पास दो यूनिट सेक्शन वन के और दो यूनिट सेक्शन टू के राइट तो चलो अब हम बात करते हैं सेक्शन वन की सेक्शन वन में पहला यूनिट वन है अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमाल अमालगमेशन मर्जर ये सुन के कुछ याद आ रहा है बच्चों वैसे जब भी स्टूडेंट से पूछा जाए आपको याद है आपके पुराने सेमिस्टर में पहले सेमिस्टर में ही आया था तो आपका आंसर बट ऑब्वियसली ना ही होता है ये अलग बात है कि पढ़ाने वाला भी वही इंसान होता है और वो पूछता है तो भी आप आंसर ना करते ये अमाल एंड मर्जर बिकॉम सेमेस्टर फाइव में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यस yes. इवन इस चैनल पे सेम फाइव के वीडियो अपलोड करना मैंने शुरू किया है लास्ट टाइम सेम फाइव तक मैं यूट्यूब पर थी ही नहीं तो पुराने वीडियो आपको मेरे सेम फाइव के नहीं मिलेंगे लेटेस्ट ही मिलेंगे तो ये मर्जर और अमाल कमीशन आपका वहाँ से है लेकिन क्या फ़र्क है आपके बिकॉम सेम फाइव और दिस एम कॉम सेमिस्टर थ्री के मर्जर एंड अमाल में

हम जब कहते हैं ना कि हमारे बी कॉम सेम फाइव से ये फिर सेम कॉम सेम थ्री में पूछा है क्यों पूछा है तो दिस पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस परचेज मैथड ये आपके बीकॉम सेम फाइव में सिर्फ उसका जरा सा क्या बोलते हैं जिक्र था थोड़ा ही इन्फॉर्मेशन था उसमें डिटेल नहीं था और सम्स नहीं थे यहाँ पर आपको उसके समझ आएंगे और साथ साथ में आपको उसकी थ्योरी भी करनी है और थ्योरी में जैसे मैंने ये कहा कि आपको करना है डिफरेंस uh, गुजराती में हितों ना जुडाननी पद्धति पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड खरीद पद्धति इसका आपको तफावत करना है ओके सो थियोरी में इतनी ही तीन चीज़ें पहली दो चीज़ें तो आप सम्स के लिए रेडी करनी ही पड़ेगी आप जो सम्स करेंगे ना तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आएंगे आप में से जो भी बच्चे एम कॉम सेवन थ्री में मर्जर और अमाल सीखना चाहते हैं वो बी कॉम सेवन फाइव का मेरा अमाल का चैप्टर के तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप प्लीज़ जाके उसे देखिए आपको समझ में आ जाएगा चलिए शुरू करते हैं दिस इज अ थ्योरी नाउ व्हाट अबाउट सम्स अमल कमेशन एंड एब्जॉर्प्शन याद आया ना एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज हो जाता है यस उसके आप उसमें आप गुडविल यानी कि पाघड़ी एंड सी यानी कि कैपिटल अनामत अब ये दो चीज़ें आप ढूंढते थे यहाँ पर भी आपको इन्हीं दोनों से शुरुआत करनी है तो इसमें कुछ खास नया नहीं है इंट्रेंजिक वैल्यू ये भी अगर आंतरिक कीमत अगर थोड़ा बहुत भी याद आता हो तो बिकॉम सेमेस्टर थ्री में कॉरपोरेट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप इंट्रेंसिक वैल्यू पढ़ चुके हैं फेयर वैल्यू पढ़ चुके हैं याद है वैल्यू पढ़ चुके हैं तो ये उसी में से हैं पर डोंट वरी मैं सिखाऊंगी ये मैं बोल रही हूँ कि आप पहले पढ़ चुके हैं डजेंट मीन कि मैं इसको नहीं लूँगी वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर एज वेल हम इसी से शुरुआत करेंगे अपने एफ ए ए की राइट एफ ए टू याद रखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग टू तो हम इसी से शुरुआत करेंगे तो ये एक आपका वो इंटरेंसिक वैल्यू एड होगा इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड परचेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन में आता है हिसाबी धोरण चौदह प्रमाण यरण एंड संयोजन न हिसाब हो तो वो उसकी जर्नल एंट्रीज आपको परचेजिंग कंपनी के बुक्स में करनी है साथ में मैंने जैसे कहा कि पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मैथड नया तो उसके समझाएंगे इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन असपरस न व्यवहार हो ये भी आपका नया है इसमें तो ये चीज़ें इतनी जो मैंने आपसे कही जो चीज़ें पहले आपकी आ चुकी है उसके बारे में मैंने कहा ये पहले आ चुका है और जो चीज़ नहीं है वो आपको बता दिया कि ये नहीं है इन शॉर्ट आपको मर्जर और अमाल गमेशन में करना है क्या है तो मर्जर और अमाल गमेशन में आपको मर्जर और परचेज़ मैथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फोर्टीन के हिसाब से पुलिंग एंड पुलिंग ऑफ इन्वरेस्ट मैथड परचेज मैथड इन ट्रांजिक वैल्यू जनरल एंट्री करनी पड़ेगी इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी राइट और नई कंपनी की बैलेंस शीट यस तो ये आपका यूनिट वन हुआ अच्छा खासा हुआ लेंदी है है ना डर ये नहीं ये सिर्फ आपको बत, आगे से आपको पता होना चाहिए कि हम जिस नदी में कूद रहे हैं उसकी गहराई कितनी है यस दैट इज द मेन एम चलिए यूनिट टू दैट इज़ होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स वन एंड टू दो है होल्डिंग कंपनी एक्चुअली वन चैप्टर जिसको दो हिस्सों में बांटा है होल्डिंग कंपनी वन एंड होल्डिंग कंपनी टू तो मैंने यहाँ साथ में ही ले लिया बिकॉज बोथ आर द पार्ट ऑफ यूनिट टू होल्डिंग कंपनी वन और होल्डिंग कंपनी टू में एक साथ ही मैं समझा देती हूँ कि क्या आएगा जैसे कि मूड़ी नफ़ो कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट मैसूली नफो प्रॉफिट डिल्ट विथ एंड प्रॉफिट नॉट डिल्ट विथ इन गुजराती समायल एन नहीं समायल नफो इसकी थ्योरी और इसी के ही सम्स अगर आप पार्ट वन कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी का यानी कि शासक कंपनी ना हिसाबों का पार्ट वन है तो उसमें आपका बेसिक जो है थ्योरी ये क्लियर होना चाहिए और उसके हाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये आपका होल्डिंग टू में आएगा और होल्डिंग टू में थ्योरी एंड सम्स बोथ जिसके अंदर आपको स्टेटमेंट uh, बनाना पड़ेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वन टू पत्रक बनाना पड़ेगा हिस्सा भी धोरण बसौ बार प्रमाणे एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर कॉन्सोलीटेड बैलेंस शीट राइट तो बैलेंस शीट कॉन्सोलीटेड बनानी है स्टेटमेंट बनाना है साथ में ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी ढूंढनी होती हैं और उसकी थ्योरी भी होती है तो दिस इज अ कम्बाइन ऑफ होल्डिंग कंपनी अगर आपका फिफ्टी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर का स्टाइल होता जिसके चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर है तो उस वक्त आप आप में से बहुत सारे बच्चे सेक्शन टू ही सिलेक्ट करते हैं यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर ख़त्म इतना सारा टेंशन कौन पाले मैम ये थ्योरी है इसमें कर देंगे हो जाएगा लेकिन बच्चों इट्स अबाउट सेवेंटी मार्क्स एंड यू हैव टू डू एवरी राइट वो भी मैं आपको भी समझा दूँ चलिए तो ये हो गया आपका यूनिट टू ना बात करते हैं यूनिट थ्री की यूनिट थ्री यानी आपकी थ्योरी आ गई सेक्शन टू स्पेशल ऑडिटिंग की यूनिट थ्री में दो पॉइंट है यानी कि दो चैप्टर हैं द फर्स्ट वन ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट्स यानी कंप्यूटर द्वारा लखाएला हिसाबों बोनो ऑडिट राइट right? उसमें किस तरह की थ्योरी आएगी एक एक्चुअली ये आप जब पढ़ाई शुरू करें तभी भी ये वीडियो आपके काम का है और जब आपकी एग्जाम हो ना उस वक्त भी ये वीडियो आपके काम का है एग्जैक्ट डेटा मिलेगा इसमें से आपको टिक मार्क करना पड़ेगा ये मेरा हो गया ये मुझे करना है या ये मुझे नहीं करना है राइट विथ यथ आवर ओन रिस्क जो नहीं करना है राइट चलिए ईडी सिस्टम कंप्यूटर पद्धति द्वारा कंप्यूटर पद्धति उसका मीनिंग है फिर उसके फीचर्स यानी कि लक्षणों है टाइप्स है ई कंट्रोल है अंकुश है और ई ऑडिट है ये ई जो है मैं बार बार बोल रही हूँ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट में ई पद्धति इसी के बारे में आपका सारा थियोरी होगा गवर्नमेंट ऑडिट यानी सरकारी ऑडिट जिसमें ड्यूटीज़ हैं पावर्स हैं पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कैग सी ए जी कैग आपने ये नाम सुना होगा जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर एम कॉम के बच्चे हैं और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं तो दे मस्ट नो द फुल फॉर्म ऑफ कैग सी ए जी अगर ज़्यादा आपको, आपको ना मेहनत पड़े और अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं तो कैन यू प्लीज़ टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ सी ए जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सी ए जी का फुल फॉर्म लिख के भेजिए चलिए देन सी ए जी रोल यानी सी ए जी की फर्जो हो और उसके रोल और उसकी भूमिका दिस इज़ अबाउट यूनिट थ्री छोटा सा आसान सा है ना चलिए अब बात करते हैं यूनिट फोर कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट यूनिट फोर में भी दो चैप्टर हैं कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट अब कॉस्ट ऑडिट पर्दर ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट संचालक की ऑडिट कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हम बरसों से पढ़ रहे हैं है ना उसकी थ्योरी भी पढ़ चुकी अब ये बात करें ऑडिट की ना वट इज इन कॉस्ट यानी कि पर्दर ऑडिट में क्या है तो पर्दर ऑडिट में उसके अर्थ, अर्थ मीनिंग उसके ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्यों डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट उन दोनों का तफावत है देन एडवांटेजेस उसके फायदे हैं देन मीनिंग ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट मतलब पहले एफ ए का डिफरेंस और वो सब बता देंगे एंड देन आपके लिए उसके ऑब्जेक्टिव और मीनिंग भी करने पड़ेंगे और डिफरेंस भी करना पड़ेगा ना वाट अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट विच इज़ द सेकेंड चैप्टर ऑफ यूनिट फोर यूनिट फोर का दूसरा चैप्टर है ये आपका यूनिट फोर ये आपका दूसरा चैप्टर मैनेजमेंट ऑडिट यानी कि संचालक की ऑडिट और उसमें भी सेम मीनिंग ऑब्जेक्टिव अर्थ उद्देश्य स्कोप कार्यक्षेत्र ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ऑडिट की है संचालकीय ऑडिट की, की। यानी अगर हम बात करें कि यूनिट थ्री एंड फोर द इजिएस्ट वन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सेवेंटी मार्क्स ये तो आप सबसे पहले कर लेंगे यानी आपका थियोरी का फंडा क्लियर थियोरी है बहुत आसान है और उसमें कोई हमें झंडे नहीं गाड़ने वैसी थियरी है भलेज स्पेशल लिखाओ बात करते हैं हमारे सेक्शन वन की जिसको ऑप्शन में नहीं निकाल सकते क्यों चलिए ये चार पॉइंट लिखें ये चार पॉइंट मैंने कहा से लिखे हैं ये चार पॉइंट मैंने कंसाइज करके यहां से लिखे हैं खुद के नहीं बनाए हैं आपकी बुक में है ये रहे हैं। नोट्स दिखे ना ये वाले ये चार पॉइंट है हम जनरली इतना आगे का नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपको इंग्लिश और गुजराती दोनों में समझा देती हूँ ये क्या लिखा है नो ऑप्शन फॉर मेन यूनिट यानी कि आपके चार यूनिट हैं किसी कोई भी यूनिट किसी के भी ऑप्शन में नहीं आएगा एंड ऑल दिस फॉर द सेवेंटी मार्क्स ना बटा अगर सेवेंटी मार्क्स का पेपर है तो तब ये चीज़ें लागू पड़ती है फिफ्टी मार्क्स में कुछ लागू नहीं पड़ता है चलिए सेक्शन वन एंड टू हैज इक्वल वेटेज ये और ये इक्वल वेटेज है एंड इफ यू हैव अ सेवेंटी मार्क्स क्वेश्चन पेपर देन यू हैव टू इक्वली डिवाइड दिस बोथ द चैप्टर ऐसा नहीं कि थ्योरी है तो कम मार्क्स में आएगी और समझें तो ज्यादा मार्क्स में आएगा क्वेश्चन मस्ट बी आस्क फ्रॉम इस सेक्शन हर एक सेक्शन का क्वेश्चन होना चाहिए आउट ऑफ सेवेंटी नॉट लेस देन थर्टी मार्क्स फॉर थ्योरी यानी अगर आपका सेवेंटी मार्क्स का पेपर है तो तीस मार्क्स के कम की थ्योरी नहीं पूछी जाएगी यानी अगर हम बैलेंस रखें तो तीस तीस मार्क्स थ्योरी के और चालीस मार्क्स आपके सम्स के और ये तीस और चालीस दोनों में एम का सेटिंग आपके एग्ज़ाम इन जो पेपर सेटर है वो कर देंगे थर्टी एंड फोर्टी में समझ में आई मेरी बात सेवनटी मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है तो थर्टी मार्क्स की थ्योरी तो होनी चाहिए नॉट लेस देन थर्टी यानी बैलेंस अगर करें मिनिमम करें तो तीस मार्क्स उससे कम की थ्योरी नहीं पूछी जाएगी तो चालीस मार्क्स के आपके सम आएंगे तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है और हाँ इन दोनों के एम सी उस हिसाब से ही आ जाएंगे तीस मार्क्स मिनिमम तीस मार्क्स मतलब ये दोनों की थ्योरी तीस मार्क्स की होगी इन सेवेंटी मार्क्स क्वेश्चन पेपर बाकी आपके पेपर सेट करने वाले टीचर यानी प्रोफेसर के हाथ में है कि वो कितने थ्योरी का प्रोपोर्शन रखे उसने बोला तीस से कम नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं बोला कि तीस से ज़्यादा होगी तो भी नहीं चलेगा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये आपका चारों चार यूनिट का मैंने कंसाइजली और आपको स्ट्रेटेजिकली समझा दिया कि किस तरह से आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का चैप सब्जेक्ट होगा क्यों समझाया बिकॉज स्टूडेंट कंसिडर दिस सब्जेक्ट इज डिफ़िकल्ट वन इन कंपेरिजन विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग काफ़ी हद तक स्टूडेंट सही भी है बिकॉज इन दो चैप्टरों में आपकी अच्छी खासी मेहनत लगेगी ये दो चैप्टर आपके गले में हलवे की तरह नहीं उतरेंगे इसके लिए आपको सम्स करने पड़ेंगे और सम्स की साइज़ लेंदी है ठीक है लेकिन आप ये सोचिए कि ये दो यूनिट की साइज़ यानी कि सम्स की साइज इसलिए लेंदी, बिकॉज हेयर वी डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल थिंग तो वो कंपनसेट कर देता है समझ में आए चलिए बाकी तो हम जब सम्स करेंगे इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब देख लेंगे द नेक्स्ट वीडियो ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा की हिसाबों ने ऑडिटिंग टू का दैट इज़ फॉर अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड अमल कमीशन मैं आपको इसका सम कराऊंगी और यहाँ से शुरू करूँगी ठीक है फिर ये थियोरी तो मैं आपको एग्जाम के टाइम इसके आई एम पीज एंड एक्सप्लेनेशन दब दे दूँगी सो वी हैव वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट इन एफ ए सो बने रहिए साथ में रहिए साथ में पढ़ते हैं थैंक यू सो मच